हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपांकर और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ वेब डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा दोस्तों, ये जो HTML फाइल है दिख रहा है आपको, ये पूरा HTML कोर्स है दोस्तों। .html फाइल है, इसका मतलब इसका जो टेम्पलेट है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए दे दूँगा दोस्तों, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो अपने वेबसाइट है वो भी बना सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं क्या कंप्लीट करूँगा दोस्तों, इसका जो मेन्यू बार है देख सकते हैं, इंक्लूड करूँगा एक फ़ाइल पे दोस्तों जो मेन्यू .php में होगा, ठीक है। और इसका जो फुटर सेक्शन है ये वाला, इसको मैं एक ही फाइल में इंक्लूड करूँगा, फुटर .php दोस्तों एक ही फाइल होगा। जितने भी अलग अलग दिख रहा है ये अलग अलग फाइल है दोस्तों, इसका जो मेन्यू अलग अलग लिखा होगा, इसका जो है मेन्यू अलग लिखा होगा। देखिए ये रेड कलर कार है, क्योंकि ये कार मेन्यू में ये एक्टिवेट है दोस्तों। ये देखिए, होटल में क्लिक करूँगा तो रेड कलर का, ये भी सब जितने भी है चीज़ मैं एक एक स्टेप वाइज वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों, आप लोग सीखते रहिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसका एडमिन पैनल में ये बनाऊँगा दोस्तों, ये देखिए मैं एक डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ आप लोग के लिए। जैसे मैं ये कंप्लीट करूँगा, उसके जैसे एडमिन पैनल में आना होगा, मैं उसके बाद ये एडमिन पैनल का जो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ अभी शॉर्टली। ये देखिए जैसा इंडेक्स जो है, इसके बाद मैं ब्लॉग बनाऊँगा दोस्तों, मेन्यू ब्लॉग। ये देखिए इसमें क्या, एक इमेज है, टाइटल टाइटल होता है, डेट होता है, कितने कमेंट्स आए हैं कमेंट सेक्शन में बनाऊँगा, उसके बाद जो इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे एक बटन होगा दोस्तों। और ये जो इसका जो लेआउट है ये थोड़ा प्रिंट थोड़ा सा चेंज करूँगा दोस्तों, जैसा जो प्यारा लुक है वो आ सके, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर आप ये टेम्पलेट यूज़ नहीं करना चाहते, मैं प्रीफर भी करता हूँ आपको एक अपना जो चॉइस का एक टेम्पलेट लीजिएगा दोस्तों, उसमें कुछ नहीं करना होगा। जितने भी कोडिंग्स है मैं आपको यहाँ पर सिखाते रहूँगा, अगर आप कुछ भी डाउट है कमेंट्स करिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब शुरू करते हैं जल्दी से, देख इंडेक्स डॉट html फाइल दोस्तों, html फाइल किसे मैं कन्वर्ट करूँगा .php में, .php, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ मैं php में कन्वर्ट हो चुका है। अभी सबसे दोस्तों यहाँ पे जो मेन्यू दिख रहा है, देखो एडमिन डॉट इंडेक्स डॉट php, ये जगह पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, फोल्डर का नाम दे दूँगा इंक्लूड फोल्डर, ठीक है दोस्तों। इंक्लूड फोल्डर के अंदर मैं जितना भी हेडर मेन्यू है वो सब वहाँ पे रखूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका जो हेडर है, हेडर सेक्शन है, देखिए दोस्तों हेडर, और यहाँ पे क्लोज हो रहा है दोस्तों। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट कर लूँगा दोस्तों। कट करने के बाद मैंने एक फोल्डर बनाया था इंक्लूड, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करूँगा, फाइल का नाम होगा मेन्यू डॉट php, यहाँ पे पेस्ट करूँगा दोस्तों। पेस्ट करने के बाद और एक चीज़ बचा होगा जो इंडेक्स डॉट html अभी php में कन्वर्ट हो चुका है, वहाँ पे इंक्लूड करूँगा php, इंक्लूड फोल्डर का नाम दिए थे इंक्लूड / फाइल का नाम मेन्यू डॉट php, ठीक है दोस्तों। यह हमारा इंक्लूड हो चुका है दोस्तों। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट php इंक्लूड, स्पेलिंग मिस्टेक, इंक्लूड हो गया दोस्तों, इंक्लूड हो चुका है दोस्तों। और एक मैं फुटर को भी इंक्लूड कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कट कर लूँगा, कट करने के बाद मेन्यू के नीचे में एक फाइल क्रिएट करूँगा, उसका नाम दे दूँगा फुटर .php, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इंडेक्स पेज में जाके यहाँ पे php इंक्लूड करूँगा, include, और यहाँ पे लिख दूंगा फाइल फोल्डर का नाम इंक्लूड / फाइल का नाम फुटर .php। इंक्लूड हो चुका है दोस्तों, इसका जो फुटर पार्ट है और ये जो मेन्यू पार्ट है पूरा एक फाइल में इंक्लूड हो चुका है दोस्तों। मेन्यू यहाँ पे जो पेस्ट थे और फुटर है, ये हम अभी क्लोज कर देते हैं, बाकी मैंने खोल के रखा हुआ था, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए हमारा जो इंडेक्स डॉट
HTML है उसको मैं कन्वर्ट करके HTML.php में कन्वर्ट कर चुका हूँ। इसी तरह सभी सारे जितने भी HTML के हैं उसको मैं यहाँ से HTML हटा के PHP में करूँगा। PHP ठीक है दोस्तों, अभी blogs.php आ चुका है। अभी मैं यहाँ से जो इंक्लूड किया था सेम हेडर को यहाँ से हटाकर इंक्लूड सिर्फ करना है, क्योंकि हमारा फोल्डर एक के में इंक्लूड होगा। यहाँ से हटा कर यहाँ पे लिख दूंगा इंक्लूड PHP। हमारा जो ब्लॉग सेक्शन है मेन्यू में सर्च करना होगा दोस्तों। सबसे पहले जो अभी हम चेंज किए थे index.html को PHP में, तो PHP लिख देंगे। यहाँ पे भी देखिए PHP लिख देंगे। अभी हम ब्लॉग चेंज किए हैं तो ब्लॉग यहाँ से कट कर कर मेन्यू के नीचे रख देंगे दोस्तों, क्योंकि एक एक हमारा कंप्लीट होता रहेगा, एक एक हम चेंज करते रहेंगे। ब्लॉग प्रॉब्लम इंक्लूड दोस्तों, इंक्लूड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो फुटर सेक्शन है फुटर में भी हम पेस्ट करके वहाँ पे रीनेम कर देंगे दोस्तों। याद रखिएगा, रीनेम कर दूँगा मैं। देखिए डेवलपर फुटर, यहाँ में क्या होगा फुटर भी आ जाएगा दोस्तों। अब हम करेंगे मेन्यू बार और फुटर को क्लोज कर देते हैं। अभी कार का बार, ये कार .html को कार .php में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ से मैं क्या करूँगा, फुटर को यहाँ से कॉपी कर कर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा कार .php में। सॉरी, इसका कार .php को भी चेंज करना होगा .php। हमने पेस्ट किए थे फुटर मेन्यू, यहाँ से कॉपी कर कर फुटर को भी चेंज कर देंगे दोस्तों। जितने भी फाइल है उसे हम यही चीज़ स्टेप दोहराना होगा दोस्तों। ठीक है, सेम स्टेप है इसका। जो मेन्यू है अभी contact.php, इसका अभी जो मैंने किए थे कार, इसका जो मेन्यू है मेन्यू को ले लेंगे। मेन्यू में कार चेंज किए थे, इसका जो मेन्यू है यहाँ से कट कर कर मैं ब्लॉग के नीचे में पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे .php लिख दूँगा दोस्तों। देखिए कार .php आ चुका है दोस्तों। अरे फुटर में भी चेंज नहीं किया मैं। देखिए दोस्तों आ चुका है। अब हम कॉन्टैक्ट का पेज नेम चेंज करेंगे .php। कॉन्टैक्ट का हैंडल बार हटा कर मेन्यू .php और फुटर में फुटर .php। और मेन्यू में कॉन्टैक्ट पेज को यहाँ से कट कर कर मैं यहाँ पे लिखूँगा .php। अब हमारा है फ्लाइट .php। इसका भी मैं इसका जो मेन्यू है वो चेंज कर दूंगा फ्लाइट का। यहाँ में आ जाएगा मेन्यू .php और फुटर में आ जाएगा फुटर .php। ठीक है, .html मेन्यू यहाँ से कट कर कर यहाँ पे मैं लिखूँगा कार के नीचे फ्लाइट .php। फ्लाइट .php आ चुका है दोस्तों। अभी इस वीडियो को मैं थोड़ा स्किप करता हूँ दोस्तों, और ये होटल और वोकेशन का जो फाइल है मैं सेम टू सेम इनपुट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। जैसे मैं बताया था, ये होटल्स को मैंने PHP में कन्वर्ट कर चुका हूँ, और vocation.html को भी मैं PHP में कन्वर्ट कर चुका हूँ दोस्तों। अब मैं बताऊँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या सिखाऊँगा दोस्तों। सबसे पहले ये ब्लॉग का ये जो सेक्शन है मैं ये हटा देता हूँ दोस्तों।
लॉक सेक्शन का जो टॉप मेन्यू है सेम टू सेम दिख रहा है जो, उसको मैं हटा दूंगा, यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद जो फॉर्म है फॉर्म को भी मैं हटा दूंगा यहाँ से। देखते हैं, हट चुका है दोस्तों। ये ब्लॉक को मैं कर दूंगा रिसेंट ब्लॉक, इसको मैं हटा दूंगा। ये देखिए दोस्तों, ब्लॉक सेक्शन आ चुका है। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा कि कैसे जो है एडमिन पैनल में अगर यहाँ से पोस्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, पोस्ट करने के बाद कैसे आप यहाँ पे शो करेगा विद इमेज, अगर आप कोई भी इमेज डालेंगे वो भी यहाँ पे शो होगा दोस्तों, बिल्कुल डायनामिकली मैं बताऊँगा। आप हमारे साथ रहिए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।